और ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अबे एक अंडा कहाँ है भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज खाना डालने आया हुआ था मैं इनको, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को कुड़ाक वाली जो मुर्गी है वो दिखाऊंगा और कैसे वो खाना खाती है क्या करती है। तो आज की वीडियो में मैं सोचा यार आप लोगों को वही दिखाता हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं आया हूँ ऊपर के सेटअप को खोल के, क्योंकि पहले उनको अब मुझे करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आता हूँ ना तो यहाँ लग जाता थोड़ा टाइम, तो आपको पता है इनको भी देना, फिर कुड़क मुर्गी को खोलना, फिर उसके साथ खड़ा होना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि वो ना यहाँ पे नहीं खाती है, वो जाके खाती है वहाँ कोने पे सारा दाना पानी, फिर गीला भी कर लेती है अपने आप को, उसको पूरा सुखाना पड़ता है फिर मुझे, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो अब छत की पहली बारी होती है और बाद में इनकी बारी आती है, तो चलें पहले जल्दी से मैं इनको दाना डालता हूँ फिर अपनी कुड़क मुर्गी को खोलते हैं और उसके अंडों की पोजिशन भी देखेंगे क्या है। भाई दोस्तों सबको खाना डाल दिया है, वो खा रही काली वाली हमारी माँ दी जो काले खान की बीवी थी, और नीचे गलवा ये बच्चे भी लगे हुए खाने में और ये भी। अब दोस्तों मैं इन लोगों को ढक देता हूँ ताकि उस मादी को निकालूँ, तो आपको पता है वो देखे नहीं इनको, और इनको भी लाद में ढकूँगा, इनको मैं उसके बाद खाना डालता हूँ, यहीं खोल देता हूँ और उसको पूरा ढक देता हूँ। फिलहाल वो ढकी हुई है, इसको दोस्तों पहले इन सारों को ढक दें फिर उसको खोलते हैं। अब तो ले भाई दोस्तों अब हम खोल रहे हैं अपनी, अरे ये तो टीवी है पहले ही, रुको 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 रुको, मेरी अम्मा मेरी माँ मेरी माँ मेरी ये पहले से उठी हुई है, भूखी हो रही होती है ना, और इसको आपको पता है इनको भीड़ भी करनी होती है, तो उस वजह से थोड़ा अभी देखिएगा भागते हुए कैसे जाएगी। और ये खोली हमने और ये देखें देखें देखें, बहुत ज़्यादा भूखी हो रही होती है और होता है इनका ये, क्योंकि जब ये ऐसे कुड़क पे आए दोस्तों तो हाँ एक ही मरतबा खोलनी पड़ती है दिन में, ताकि आप एक मरतबा खोलो वरना कुड़क से जल्द हट जाती है। बाकी इसके अंडों की कंडीशन देखते हैं हम जब तक ये वहाँ खाना खाएँ, फिर इसके पास चलते हैं। तो दोस्तों अंडों की कंडीशन कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो है इसके हमने रखे थे, एक मिनट, दो दो चार दो छः दो आठ दो दो, एक मिनट दोस्तों हमने 11 अंडे रखे थे, 11 अंडे रखे थे ये दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अबे एक अंडा कहाँ है भाई, एक अंडा कहाँ है, कहा तो इसने, अबे यार एक अंडा किधर गया, कहीं तो होना चाहिए कुछ, अगर टूटा है बस ने खाया नहीं हो वो अंडा, देखते हैं। हाँ दोस्तों इसने एक अंडा तोड़ दिया, ये देखें हल्का सा वो मिला एक, अबे यार एक अंडा इसने आखिरकार तोड़ ही दिया, कैसे टूटा यार, वो देखें पूरा पानी गिरा देती है, और पानी गिराने के बाद ना इसको मुझे पूरा सुखाना पड़ता है, ये हरकतें करती है, पानी कम पीती है गिराती ज़्यादा है। खैर एक अंडा इन्होंने तोड़ दिया, मतलब कि ये सही से ना बैठना इसका ना मुश्किल हो रहा है इसके, अब या तो हो सकता है कि इसका दोस्तों पैर लग गया, अक्सर ये पैर अपना ही खड़ी हो जाती हैं तो अक्सर टूट जाता है अंडा, लेकिन यार अंडा बड़ा कीमती था ये, क्या कर गए ये, चलें इसको ढक देते हैं अब क्योंकि अंडों को हवा नहीं लगे। बाकी भाई एक अंडा और ज़ाया हो गया, एक उन्होंने कर दिया था ज़ाया, इन्होंने ज़ाया कर दिया, अब सिर्फ 10 अंडे, देखते हैं 10 अंडों में से ये निकाल पाती हैं या नहीं। जल्दी जल्दी खाना खाओ, वो देखें सारा पानी फेंक देती है ये, फिर इसको मुझे नया पानी देना होता है और इसके पूरे पाँव गीले हो जाते हैं। अब सिर्फ पानी पीना, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों कुड़क पने की निशानी जो होती है ना वो अलग ही वाजे होती है। अब ये मुर्गी है ना, पहले मैं इसे डरती थी, अब देखें इसको मैं करीब हाथ ले आता हूँ ना, आइए देखें देखें देखें, चोच मारी फ़ौरन इसने, ये देखें फौरन चोच मारती है मेरे कुड़क पने की, इनकी निशानी अलग ही पता चलती है, और इसकी जो एक आवाज़ है ना वो बता देती है, वो चीज़ बताई थी कि हाँ ये कुड़क है। बाकी यार अल्लाह करे दोस्तों, दुआ करें आप लोग भी, और बस इसके बच्चे निकल आएँ, 10 अंडे बच्चे हैं, 10 के 10 निकल आएँ यार, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं कितने निकाल पाती है ये। तो चलें दोस्तों काफ़ी देर हो गई है भाई, 15-20 मिनट से मैं ऐसे ही बैठा हुआ मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, बस देख रहा था वीडियो वगैरह, क्या करूँ ये इतना टाइम तो लगाती है। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को अंडों पे वापसी कैसे बैठती है, देखिएगा। चलें भाई आपको बंद कर देते हैं दोस्तों, इनके पैर साफ़ कर दिए हैं मैंने कपड़े से, बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं ताकि गीले ना रहें, और ये देखें हमारी कुड़क मादी ऐसे चीखती रहती है मेरी गोद में। तो चलें इनको अब बंद करते हैं, यहाँ पे आप जाएं अंदर अपनी अंडों पर, माशाल्लाह बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, वहाँ
तरीके से बनाओ अपनी सेटिंग। कुदरत का वाकई में निज़ाम है दोस्तों, बहुत अच्छा है यकीन जाने। देखें किस तरीके से सेटिंग करके ये बैठती है मुर्गी अपनी, ये और ये पूरे के पूरा अंडों पे ये बैठ गई बैठ गई बैठ गई बैठ गई बैठ गई। चलो भाई बैठ गई दोस्तों। ये एक मरतबा इनको हम टच करते हैं क्योंकि इनका सेंसर अभी ऑन हुआ है। देखा आपने, जब इनका सेंसर ऑन हो जाता है तो समझ लें कि आपकी मुर्गी कुड़क हो चुकी है पूरी तरीके से। पर यार इनकी एक चीज़ मुझे बुरी लगी है, इन्होंने जो अंडा तोड़ दिया ना दोस्तों, हमारा जाया गया अंडा। अंडों पे बैठे हैं अब और हम चलते हैं अपने ऊपर के सेटअप पे। ठीक है बहन जी, चलें भाई हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जा रहा हूँ भाई, गुस्सा किस बात का। तो दोस्तों छत की तरफ जा रहे हैं भाई, और ये साथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इनकी ड्यूटी है भाई हमारे साथ आने की ऊपर, और हमारे तमाम परिंदों को परेशान करने की हर बार। कहाँ भाई सारे हैं, ये घूम रहे हमारे प्यारे प्यारे सारे के सारे परिंदे। जाओ छेड़ो सबको, तुम जाओ तंग करो सबको। ये छोटा डॉन है, ये छोटी डॉन है, और तुम बड़े डॉन हो इनके ऊपर। चले दोस्तों अब छत पे आ ही गए हैं, तो इन बेचारों को भी खोल लें, थोड़ी धूप धूप सेक लेंगे। ये देखें इनकी हरकत, इसलिए नहीं लाता मैं इसको, वो देखें दाने का वो उठा लिया। अब ये यहाँ यही करता रहेगा, कभी वो उठाता है कभी ये उठा रहा है, और अभी तो ये उठा रहे थे भाई साहब। चलो आप लोग घूमो सुकून से, चलो जाओ धूप सेको थोड़ा तुम लोग, और खोलो अपने आप को। यार ये बंद कर दूं मैं, ये इसके सर्वर पे ना लग जाए, ये मार लेता है अपने और फिर रोएगा कि चाचू मार कर लाए मुझे। चलो आ जाओ अपन बैठे कुर्सी पे। लगे हाथों दोस्तों इनको भी आज खोल ही देते हैं यार दोपहर में। अरे एक एक करके नहीं कहाँ बैठ रहा है भाई। क्या लो खेलो, इधर आ जाओ, वहाँ जाओ सारे। अरे 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 भाई क्या कर रहा है लगे बंदे, गुस्सा आ गया दोस्तों, गुस्सा आ गया छोटे डॉन को। और ये पड़ी चोंच, ये खुद भागेंगे चोचे खा खा के। कशन इनने सारे दोस्त खुल गए आपके दोस्तों, इनके साथ ये खुले पे होते हैं ना तो इनको आदत पड़ जाती है। पर अभी काफ़ी दिनों बाद खुले हैं तो सब गौर से देखना, छोटे डॉन ने भी गुस्सा दिखा दिया था एक पे चोंच मारी। ये दोस्तों इतना कोई ख़तरनाक नहीं मारता, इनकी चोंच लगती ज़रूर है पर ऐसी नहीं लगती, मुझे भी पता है कि वो मारते हैं, लेकिन ऐसी नहीं लग रही कि वो अल्लाह ना करे बिल्कुल ही जख्मी हो जाए। तो वैसा मारने वाला एक अलग चीज़ होती है, वो खुद ही भाग जाते हैं। तो कहीं कमेंट में कोई ये लिख दे कि यार क्या कर रहे हो तुम, पिटवा रहे हो ये वो बच्चों को, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, बड़ा मसले वाला। छोटे डॉन को हमारे परेशान कर दिया तमाम चूज़ों ने, इनके पर निकले में ना दोस्तों पाँवों पे वो आके मार रहे हैं, उन्हें क्या पता हो तो बच्चे हैं। तो बस ऐसा मौसम हो जाए दोस्तों सुकून रहता है। बादल तो नहीं है आप सोच रहे होंगे कहाँ, तो एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आ गया है और वो एला वो देखें, तो इस वजह से मौसम कैसा प्यारा लग रहा है यार यकीन जाना। और ये जैसे हटेगा ना कड़कती की धूप हो रही है बहुत शदीद। और चलें दोस्तों सबसे पहले तो मैं इनको बंद कर दूँ क्योंकि चूज़ों के लिए बहुत है इतना खुलना। तो चलें दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। चलो नीचे चलें, चलो नीचे चल रहे हैं।